हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेट ऑफ मैटर यूनिट के पार्ट नंबर 8 में हैं और हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और अभी तक जो इस गैसियस लॉ को कंप्लीट किया है उन पर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे और उनके केसेस को समझेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वन बार प्रेशर का डाइहाइड्रोजन तथा डाइऑक्सीजन के मिश्रण में 20% डाइहाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू देयर वेट रखा जाता है तो डाइहाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, अर्थात आंशिक दाब क्या होगा। तो यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल्स टू पी एम एक्स और ये मोल अंश होगा और इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर लें ए बी सी या जिस भी गैस के लिए, जैसे यहां हाइड्रोजन के लिए है तो हम H2 से डिनोट कर लें इसको, तो यहां पर वैल्यू पुट अप कर लें। पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन के लिए प्रेशर का वैल्यू दिया है 1 बार इंटू एक्स मोल अंश है तो यहाँ परसेंटेज इवेल्युएट करता है 20%, तो 100 के एस्टिमेशन में जाएगा इसलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे 20/100 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2 बार और ये आपके लिए फाइनली आंसर हो जाएगा जो कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा। और इस प्रकार से यहाँ पर डाइहाइड्रोजन के लिए जो आंशिक दाब है वो 0.2 बार होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब 1 लीटर के फ्लास्क में 0.7 बार पर 2 लीटर डाइऑक्साइड तथा 0.8 बार पर 0.5 लीटर डाइहाइड्रोजन को भरा जाता है तो गैसी मिश्रण का दाब क्या होगा, यानी टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। अब यहाँ इस एक्सपेरिमेंट में दो गैसेज हैं, पहली है डाइऑक्साइड और दूसरी है डाइहाइड्रोजन, तो हम दोनों के लिए पहले पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर लें यानी पी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो पहले हाइड्रोजन का निकालेंगे और फिर उसके बाद ऑक्सीजन का निकालेंगे क्योंकि दोनों में जो इनिटरी एलिमेंट्स है वो पहला हाइड्रोजन है और देन उसके बाद ऑक्सीजन है। तो इस केस के आधार पर हम सबसे पहले पी का वैल्यू डाइहाइड्रोजन के लिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का आंशिक दाब वैल्यू पुट अप करें जो कि क्वेश्चन में दी है। सबसे पहले V1 का वैल्यू पुट अप करेंगे, यहाँ V1 दे रखा है आपको 0.5 PL डाइहाइड्रोजन के लिए और V2 दे रखा है अकॉर्डिंग टू फ्लास्क का वॉल्यूम, तो 1 L है, 1 लीटर का फ्लास्क है तो V2 1 लीटर हो जाएगा और P1 यानी प्रेशर, तो प्रेशर हो जाएगा आपका 0.8 बार पर डाइहाइड्रोजन के लिए, तो P1 का वैल्यू लिखेंगे 0.8 बार एंड P2 फाइंड आउट करना है इसके लिए, तो P2 इक्वल्स टू हाउ मच। यहाँ कंडीशन देख रहे हैं हम कि जो एक्सपेरिमेंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जब ताप नहीं बदलेगा तो बायल्स लॉ की कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फार्मूला होगा P1 × V1 = P2 × V2। वैल्यू पुट अप करेंगे, P1 है 0.8, V1 है 0.5, P2 है 0.8 और P2 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ तो एज इट इज कर लेंगे और V2 का वैल्यू है यहाँ पर 1L, तो अब अकॉर्डिंग टू केस P2 के लिए सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.4/1 और फाइनली इस तरह से P2 का वैल्यू आ जाएगा 0.4।
जो कि बार डिजिट में होगा, बार यूनिट में होगा, और ये हाइड्रोजन के लिए आंशिक दाब 0.4 bar है। तो हाइड्रोजन का जो आंसर मिला हमें वो P2 फॉर हाइड्रोजन मिला 0.4 bar। अब हम लोग ऑक्सीजन के लिए फाइंड आउट करेंगे। O2 के लिए पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले वैल्यू नोट कर लेंगे। V1, V2, देन P1 और P2। P2 तो हमें फाइंड आउट करना ही है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यूज हैं आपके। V1 है 2 liter, V2 है फ्लास्क का वॉल्यूम 1 liter, P1 है 0.7 bar और P2 फाइंड आउट करना है। यहाँ भी चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए बायल्स का लॉ फॉलो करेंगे और फार्मूला यूज करेंगे P1V1 इक्वल्स टू P2V2। वैल्यू पुट अप करेंगे, P1 का वैल्यू है 0.7 और V1 का वैल्यू है 2.0। P2 फाइंड आउट करना है और V2 का वैल्यू है 1 liter, तो P2 के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे 0.7 इंटू 2.0 अपॉन 1, P2 का वैल्यू आ जाएगा 1.54 bar। तो इसलिए ऑक्सीजन का आंशिक दाब मिल जाएगा 1.4 bar, जबकि हाइड्रोजन का मिला आपको 0.4 bar। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था गैसीय मिश्रण का कुल दाब क्या होगा, तो आप इन दोनों ही प्रेशर को टोटल कर देंगे, तो मिश्रण का कुल दाब फाइंड आउट करेंगे। मिश्रण का कुल दाब इक्वल्स टू, तो फार्मूला यूज करेंगे, पी इक्वल्स टू पी ऑफ हाइड्रोजन एंड पी ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का आया था 0.4 और ऑक्सीजन का आया है 1.4। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 bar, जो कि फाइनल पी होगा या कुल दाब होगा। इस प्रकार से ये फाइनल आंसर आपको प्राप्त होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर 900 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम घेरती है, यानी आयतन घेरती है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर यह 300 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम को घेरेगी। सबसे पहले क्वेश्चन का क्लू और रूल फाइंड आउट कर लें। यहाँ मिल रहा है हमें कि यदि दाब स्थिर रखा जाए, तो कंडीशन अप्लाइड हुई कि दाब स्थिर रहेगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो चार्ल्स का फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो पहले वैल्यू पुटअप कर लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फिर फार्मूले पर इनको पुटअप करके इसको कैलकुलेट करेंगे। V1 का वैल्यू है 900 और V2 का वैल्यू है 300 और T1 दे रखा है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि T2 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। तो T1 को यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं केल्विन टेम्परेचर में। केल्विन टेम्परेचर में बदलने के लिए इसमें 273 ऐड करेंगे, तो ये फाइनली आपको 300 केल्विन मिल जाएगा। वैल्यू पुट अप करेंगे, V1 के लिए वैल्यू होगी 900 अपॉन T1 है 300 इक्वल्स टू V2 है V1 अपॉन T1। T1 का वैल्यू 300 है और V2 का वैल्यू भी 300 है अपॉन T2 कैलकुलेट करेंगे। तो T2 के संदर्भ में फार्मूला बना करके वैल्यू को पुट अप करेंगे। T2 के लिए फार्मूला कंडीशनल होगा V2 इंटू T1 अपॉन V1। तो अब यहां से हम लोग ये वैल्यू पुट अप कर लेते हैं। V2 के लिए वैल्यू होगी 300 इंटू T1 के लिए वैल्यू होगी 300 अपॉन V1 के लिए वैल्यू होगी 900। तो
तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 केल्विन के आ जाएगा, जो कि T2 के लिए केल्विन टेम्परेचर होगा, तो T2 इक्वल्स टू 100 के प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ प्रारंभिक ताप हमें 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, तो केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जस्ट अपोजिट करेंगे। केल्विन टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273 करते हैं, तो यहाँ पर T2 इक्वल्स टू 100 -273, और इसको जब करेंगे साल तो फर्स्ट डिजिट लोवेस्ट है, सेकेंड डिजिट हाईएस्ट है, तो वैल्यू इसकी माइनस में चली जाएगी, और इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, माइनस जब कर देंगे यहाँ से 100 रिमूव हो जाएगा तो आंसर मिल जाएगा 173, और ये आंसर होगा आपका डिग्री सेल्सियस में। तो इस प्रकार से T2 के लिए वैल्यू मिल जाएगी -173 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोगों ने गैसियस लॉ में 3 लॉ कंप्लीट कर लिए, उनके न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए, उनके सारे लॉजिक समझ लिए, जिनमें से फर्स्ट लॉ है आपका बायल का नियम, जहाँ का क्लू था कि स्थिर ताप पर होगा। दूसरा पढ़ा हम लोगों ने चार्ल्स का नियम, जो कि कांस्टेंट प्रेशर पर होगा यानी दाब स्थिर रहेगा, और तीसरा पढ़ा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो जहाँ पर हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखा, और उस पार्शियल प्रेशर के आधार पर किसी सब्सटेंस के लिए टोटल प्रेशर को फाइंड आउट करना सीख लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले रूल में होंगे और स्टेट ऑफ मैटर की नई नई कंडीशंस को सीखेंगे।